नागपुर के पुलिस ने कुछ दिन पहले सड़ी सुपारी की तस्करी करने वाले आरोपी को कार्रवाई कर पकड़ा था। उसे उस पर विभिन्न धाराएं लगाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। इस आरोपी को कुछ पुलिस वालों के साथ सांठगांठ कर इस मामले से निकालने के नाम से 30 लाख रुपए उठाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर पुलिस ने लकड़गंज क्षेत्र के सुपारी विक्रेता पर सड़ी सुपारी की तस्करी करने के आरोप में कार्रवाई की थी। इस मामले में अनूप नागरिया नामक व्यापारी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अनूप नागरिया को इस मामले से निकालने के लिए सौरभ केसरवानी नामक आरोपी ने 60 लाख रुपए में अनूप नागरिया को केस से निकालने का सौदा अनूप के भाई से किया, जिसके मुताबिक अनूप के भाई ने हवाला के जरिए सूरत से 30 लाख रुपए मंगवाए। सूरत से ये 30 लाख रुपए चालीसगांव पहुंचे और चालीसगांव से ये पैसा सौरभ केसरवानी तक पहुंचा। 30 लाख रुपए हवाला से नागपुर पहुंचा, जिसमें 25 लाख रुपए सौरभ केसरवानी ने छुड़वाए, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। इस मामले में अशोक वंजानी, संतोष मंधानी, नरेश परमार और रतन राणा को भी हवाला के पैसों के मामले में पुलिस ने पकड़ा है। या गुन्ह्यामध्ये अशा निष्पन्न झालेली झालेली होती की अनूप नागरिया हे त्यावेळी जेलमध्ये होते, त्यांचे भाऊनी काही वासन वाईन शॉपचे जे मालिक आहे दोन लोकांनी प्रलोभित करून त्यांना पोलीस आणि न्यायालयीन प्रक्रियाला मॅनेज करून बेल करणे आणि केस बंद करण्यामध्ये मदत करू या आश्वासन देऊन 30 लाख रुपये खंडणी नागरियाकडून घेतला होता। त्या प्रकरणात मनोज अशोक वासन अशोक वंजानी वासन वाईन शॉपचे मालिक आहेत, त्यांना पूर्वी अटक करण्यात आली होती। त्यामध्ये सुरुवातीला ते पैसे तिथे हँडओव्हर झाल्यानंतर अशा निष्पन्न झालेली आहे की 5 लाख रुपये वजानी बंधू दोघेंनी मिळून 5 लाख रुपये घेऊन घेतले होते। 25 लाख रुपये त्यांनी एक हवाला अंगडियाचे मार्फतीने सूरतची एक अंगडिया कंपनी आहे त्याचे मार्फतीने इथून पाठवले होते। ते पैसे सुरुवातीला सूरतला गेला, सूरतवरून ते पैसे 25 लाख चाळीसगाव येथे एका व्यक्तीकडे आला आणि तिथून ते पैसे एक सौरभ केसवानी म्हणून आरोपी आहे त्यांच्याकडे गेला होता। आता त्यामध्ये सुरुवातीला हे तीन जे हवालावाले आणि चाळीसगावचे व्यक्ती आणि वासन वाईन शॉपचे एक मालिकला अटक करण्यात आला होता आणि केसवानीला अटक करण्यासाठी टीम पाठवण्यात आली होती आणि नंतर परवा संध्याकाळी केसवानीला अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांना विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी त्यांचे घरी एक जिन्याचे वर 25 लाख रुपये पैकी काही 10-7-8 हजार रुपये ते हवालावाल्यांनी कमिशन म्हणून घेतला होता, बाकी 24 लाख 92 हजार काहीतरी तसे काही फिगर आहेत ते त्यांनी जिन्यावर ठेवलेले आहे असं त्यांनी काल आपल्याला इथे डिस्क्लोजर दिला होता। म्हणून एक टीम पाठवण्यात आली होती जलगावला आणि आज सकाळी ते 24 लाख 90-92 हजार रुपये ते त्यांच्याकडून रिकवर करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये अशोक वजानीचे भाऊ यांना पण हे अटक करण्यात आली। नागपुर में हवाला का कारोबार बड़े पैमाने पर पनप रहा है, बावजूद इसके नागपुर पुलिस इस विषय पर मुखदर्शक बनी बैठी है। रोजाना करोड़ों का पैसा हेराफेरी नागपुर से होती है, ऐसे में शहर में इस काले कारोबार की खबर पुलिस को नहीं है, यह आश्चर्य की बात है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश पोरकर, नागपुर।